हाँ दुबे जी, आज यहाँ त्रयोदास कार्यक्रम है, इसको आप ब्रह्मभोज भी कहते हैं जी। कुछ जगहों पे आप ही के विकास खंड खुटहन में ये दो भागों में विभाजित है जी। एक भाग कहता है कि मृत्यु भोज जी। आप इसको क्या कहते हैं? मृत्यु भोज कर कह के वो बहिष्कार कर रहा है जी। अब आप शामिल होते हैं जी। किस नजर से देख रहे हैं? ये जो लोग विरोध करने वाले हैं वो पर्टिकुलर एक जात विशेष के हैं और कुछ लोगों के बहकाव में कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी पुराने पुरखों द्वारा दी हुई परंपराओं के अनुसार इस कार्यक्रम को निर्वहन कर रहे हैं और इसको वो लोग कर रहे हैं। ये परंपरा नहीं है, ये समाज द्वारा एक मढ़ा गया है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मुस्लिम कंट्री में एक होता है बधना, आप देखे होंगे बधना जो वहाँ उपयोग किया जाता है, वहाँ पानी की कमी है, इस नाते वो हाथ उल्टा ऐसा करके धोते हैं और पानी को कम गिराने के लिए वो एक नल टाइप का उसमें लगा रहता है, तो वो वहाँ पानी कमी है इस नाते वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं। वो बाकी राष्ट्रों में उसको एक परंपरा बना लिए हैं कि हम हाथ को उल्टा धोएंगे, बधना से पानी ही कम गिराएंगे, नहाएंगे तो ऐसे नहाएंगे, एक परंपरा है। नहीं, हम उस पर नहीं जाते। मैं अपनी परंपरा, मैं हिंदू संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक सनातन संस्कृति की बात तो मैं करना चाहता हूँ जी, न कि किसी अन्य धर्म को जोड़ जी, तो अपने सनातन को तो मैं अपने सनातन धर्म की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों द्वारा या हमारे सनातन धर्म में एक प्रदत्त चीज है कि एकादशा तेरही उसका एक वर्षीय कार्यक्रम, ये हमारे पुरखों और परंपराओं द्वारा हमको समाज से प्रदत्त है, उस परंपराओं को मैं निर्वहन करता हूँ। इसको आप शास्त्र संबत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, मैं शास्त्र संबत मानता हूँ। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे इस सब कार्यक्रम करने से हमारी मृतक आत्मा को शांति मिलती है। धन्यवाद। अब आप दोनों लोग संयुक्त रूप से बताइए, आप तो पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, बाद में रेल कर्मी हुए हैं और आपके परिवार की बात है, तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया है उस आयोजन के पीछे आपकी वैदिकता धार्मिकता क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मैं आपके चैनल और आपके सभी साथियों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं जो हमारे स्वर्गीय हरिहर पांडे जी यहां पर सभी हमारे बुजुर्ग सभी को नमन करते हुए ये वैदिक परंपरा की जो बातें आपने मुझसे पूछी, ये हमारी धरोहर है, हमारी भारत माता की, हमारे विश्व की। यहाँ से एक सूचना मैसेज जाता है पूरे विश्व में कि ये क्या मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी के माध्यम से आज मेरी माता जी स्वर्गीय शिवव्रता देवी जी जिनका देहांत हो गया, उनकी आज तेरही है, उस तेरही के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो ऋषि मुनियों ने जो बनाया हुआ है एक मनुष्य जीवन को जीने के लिए, उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को अच्छे से सभी मनुष्य को करना चाहिए। अगर किसी ने इसका विरोध किया तो मैं उनको ये अपने माध्यम से, अपने इस देश के, अपने कुटान क्षेत्र के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को न ध्यान में रखते हुए अपने ऋषि मुनियों को बनाया हुआ जो परंपरा है उसको आगे लेके चलें, तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा। और इसके अलावा इस मनुष्य जीवन का सफल होना बड़ा मुश्किल है, जो हमारी धरोहर है 10 दिन 12 दिन 13 दिन, ये हमारी मानव तन को आगे बढ़ाने का एक प्रक्रिया है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इस परंपरा को मैं आगे लेके चलूँगा, हमारे बच्चों को यह संदेश दूंगा कि इसको बंद नहीं होना चाहिए, ये संदेश हमेशा सभी लोगों के पास जाना चाहिए। धन्यवाद।